आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन नगरीय द्वारा प्रतिबद्ध 75 जनपद 75 घंटे 750 निकाय का अभियान चलेगा, जो दिनांक 1 दिसंबर से 3 दिसंबर तक किया जा रहा है। प्रदेश के समस्त 750 निकायों में कूड़ा एकत्रीकरण के दृष्टिगत संवेदनशील स्थान को पूर्णतः रूप से विलोपित कर स्वच्छ स्थान में परिवर्तित कराया जाना है, जिसके संबंध में नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया कि नगर निगम द्वारा 75 गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स को चिन्हित किया गया है, जहां पर हम अभियान से पूर्व जनमानस को जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक, वॉल पेंटिंग, बैनर होर्डिंग, निदेशालय स्तर से प्राप्त IEC सामग्री को LED एवं लाउडस्पीकर के माध्यम से प्रचार प्रसार, लोकल प्रेस के माध्यम से जनभागीदारी, स्वच्छ वातावरण प्रोत्साहन समिति के सदस्यों द्वारा GVP स्थानों के आसपास के क्षेत्रों में जन जागरूकता की कार्रवाई, सोशल मीडिया के समस्त प्लेटफॉर्म Facebook, ट्विटर, इंस्टाग्राम इत्यादि के माध्यम से राज्य मिशन निदेशालय स्तर से प्राप्त क्रिएटिव्स का उपयोग करते हुए व्यापक जन जागरूकता एवं जन सहभागिता सुनिश्चित कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि अभियान के मध्य जनमानस को जागरूक करने के लिए कॉलेज एवं विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज के विद्यार्थियों द्वारा रैली का आयोजन किया जाएगा। जनमानस को जागरूक करने के लिए सभी विलोपित गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स से सौंदर्यीकरण, जैसे कि पुनःचक्रणा व पुनः उपयोग सामग्री से किया जाएगा। गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स के निस्तारित स्थलों पर सेल्फी पॉइंट्स, रेहड़ी पटरी वालों को जगह आवंटित करना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेंच की व्यवस्था, पेड़ व गमला लगाना, रैन बसेरा का निर्माण, दान स्थलों का निर्माण, वर्टिकल गार्डन आदि का निर्माण कराया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, तो आम जनमानस को जोड़ना है, इसी तरह इसी का मैसेज है, लोगों को बताना है, अवेयर करना है। महानगर के समस्त सम्मानित नागरिकों से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करता हूँ, अपील करता हूँ कि भारतवर्ष में हो रहा है किसी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन नगरी द्वारा आज़ादी के 75वें महोत्सव के 75 घंटे 750 निकाय अभियान 1 तारीख से प्रारंभ होकर 3 दिसंबर 2022 को इसका समापन होगा। इसका जो मुख्य रूप उद्देश्य ये है कि जो प्रत्येक निकाय में जहाँ जहाँ पर भी गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स, जहाँ पर ऐसे तमाम जगहों को चिन्हित करके जहाँ पर कि लोग कूड़े का ढेर इकट्ठा कर देते हैं, उन कूड़े के ढेर को समूल नाश कर देना है, उनको पूरी तरह से उनको नष्ट कर देना है, और उन जो जगहों को हम सफाई करेंगे फिर इस प्रकार से उनको मेंटेन करना है कि भविष्य में पुनः वहाँ पर कोई इस प्रकार की गंदगी ना फैला सके। और इस अभियान के माध्यम से आसपास के लोगों को, पूरे महानगर के लोगों को इस प्रकार से जागरूक कर देना है कि वो स्वच्छता के इस महत्व को समझें, और जो जितने भी हमारे गोरखपुर महानगर के अंतर्गत 75 जो छाटे गए हैं वल्नरेबल पॉइंट्स, इन सभी पॉइंट्स को इतना इसको सौंदर्यीकृत इसका कर देना है, इसका इस प्रकार सौंदर्यीकरण कर देना है कि जितने भी लोग जो कल वहाँ, फिर एक बार जहाँ कूड़ा हमेशा पड़ा रहता था, जब एक दिन बाद वहाँ से आएँ तो उनको सहसा विश्वास ना हो कि ये वही जगह है जो कल तक इतनी गंदी गति रहती थी। हम उसको इस प्रकार से बहुत ही नई नई उसमें इनोवेटिव आइडिया हम लोग उसमें वहाँ पर कर रहे हैं, जैसे कि हम ठंड की ऋतु के लिए जो हमारे निराश्रित भाई हैं जिनके सर पे छत नहीं है, या फिर जो लोग बाहर से आते हैं, यात्री होते हैं और उनकी बस या ट्रेन छूट जाती है, उनके ठहरने के लिए एक बहुत ही अच्छा रैन बसेरा जिसमें कंबल, गद्दा, तकिया आदि रहेगा। इसके साथ साथ सेल्फी पॉइंट्स ये दिखाने के, लोगों को जागरूक करने के, कल जो जहाँ इतना गंदा था आज वहाँ इतना अच्छा हो गया है कि वहाँ पर आप अपनी सेल्फी भी ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ वहाँ पर अच्छी बागवानी करना, एक अच्छा गार्डन मेंटेन करना, अच्छे प्लांट्स वहाँ पे लगा देना कि लोगों को, पब्लिक भी इससे अपनी एक पब्लिक के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो, एक नया उत्साह उनके अंदर जागृत हो कि नहीं, हमें कहीं पर भी कूड़ा नहीं फेंकना है, और जहाँ फेंक रहे हैं उसको इसी प्रकार से साफ करके इस प्रकार से सुंदर बना देना है कि हम सभी लोग जब सुबह को मॉर्निंग वॉक में जाएं तो वहाँ पर बेंच आदि लगी रहे, अच्छे पेड़ लगे रहे, वहाँ बैठें और हम लोग वहाँ बैठकर चाय पे चर्चा कर सकें, चाय पर एक सार्थक चर्चा, चाय पर अपने मन की बात हम वहाँ पर कर सकें,
जो हमारे आपसी सुख दुख के हैं, जो आपस में जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वहाँ पर जब बैठेंगे तो अपने सुख दुख की बातें एक दूसरे शेयर कर सकें, इसका मुख्य उद्देश्य ये है। और निश्चित रूप से मेरा मानना है कि ये प्रदेश सरकार का एक अभिनव प्रयास है जिसके माध्यम से हम अपनी बहुत बड़ी आबादी को एक जागरूक करने में, उनको ये समझाने में सफल रहेंगे कि स्वच्छ गोरखपुर, स्वस्थ गोरखपुर और सुंदर गोरखपुर बिना आपके सक्रिय योगदान से संभव नहीं हो सकता है। अतः आइए इस 3 दिवसीय अभियान में अपना सहयोग प्रदान करें, अपना नगर निगम के हाथों से, उनके कंधों से कंधा मिलाकर इस अभियान को पूरी तरह से सफल बनाएं। मैं अविनाश सिंह, नगर आयुक्त गोरखपुर नगर निगम गोरखपुर महानगर के समस्त सम्मानित नागरिक गणों से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि स्वच्छ भारत मिशन नगरी द्वारा आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रतिबद्ध 75 जनपद 75 घंटे 750 निकाय अभियान 1 दिसंबर 2022 से 3 दिसंबर 2022 तक किया जा रहा है। इसके तहत प्रदेश के समस्त 750 निकायों में कूड़ा एकत्रीकरण के दृष्टिगत संवेदनशील स्थान गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स को पूर्णतया स्थायी रूप से विलोपित कर उसे स्वच्छ स्थान में परिवर्तित कर देना है। गोरखपुर नगर निगम के द्वारा 75 गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स चिन्हित किया गया है जहां पर इस अभियान को पूर्ण जनमानस को जागरूक करने के उद्देश्य से नुक्कड़ नाटक, वॉल पेंटिंग, स्टैंडी, बैनर, होर्डिंग, निदेशालय स्तर से प्राप्त IEC सामग्री को LED एवं लाउडस्पीकर के माध्यम से प्रचार प्रसार, लोकल प्रेस के माध्यम से जन भागीदारी, स्वच्छ वातावरण प्रोत्साहन समिति के सदस्यों द्वारा GVP स्थानों के आसपास के क्षेत्रों में जन जागरूकता की कार्यवाही, सोशल मीडिया के समस्त प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम इत्यादि के माध्यम से राज्य मिशन निदेशालय के स्तर से प्राप्त क्रिएटिव्स का उपयोग करते हुए व्यापक जन जागरूकता एवं जन सहभागिता सुनिश्चित कराई जाएगी। इस अभियान के माध्यम से जनमानस के बीच में जन जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से कॉलेज एवं विश्वविद्यालय, डिग्री कॉलेज के विद्यार्थियों द्वारा रैली का आयोजन, जन प्रतिनिधियों, सफाई चैंपियंस द्वारा श्रमदान, स्वच्छ वातावरण प्रोत्साहन समिति के सदस्यों द्वारा GVP स्थानों के आसपास जन जागरूकता हेतु डोर टू डोर कैंपेन, निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराए गए सामग्री पोस्टर, बैनर, कूड़ा गाड़ियों पर चस्पा कर प्रचार प्रसार, NCC NSS के युवाओं को जोड़ते हुए श्रमदान, गार्बेज वनरेबल पॉइंट्स का विलोपन से पूर्व एवं विलोपन के उपरांत उच्च गुणवत्ता व जियोटैग फोटो निदेशालयों की इमेज पर उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही साथ इन समस्त गार्बेज वनरेबल पॉइंट्स का जो हमारा इसकी फोटोग्राफी के साथ साथ वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी, साथ ही ड्रोन कैमरे के माध्यम से भी इसके उत्कृष्ट जो फोटो हैं उनका भी चित्रण कर इसको निदेशालय में भेजा जाएगा। इस अभियान के तहत जनमानस को जागरूक करने के लिए सभी विलोपित गार्बेज वनरेबल पॉइंट से सौंदर्यीकरण जैसे कि पुनर्चक्रण व पुनः उपयोग सामग्री से किया जाना, गार्बेज वनरेबल पॉइंट्स के निस्तारित स्थलों पर सेल्फी पॉइंट, रेहड़ी पटरी पर रहने वाले श्रम मजदूरों के लिए रैन बसेरों की स्थापना, उनको रेहड़ी पटरी वालों को अपना जो स्टॉल लगाने के लिए उस जगह का आवंटन करना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए वहाँ पर टहलने के लिए के थक जाने के बाद या कुछ समय बिताने के उद्देश्य से स्वच्छता के इतने ऊंचे मानदंड को स्थापित करना कि वो वहाँ बैठकर चाय आदि पर गुफ्तगू कर सकें, चाय पर वार्ता कर सकें और साथ ही साथ उनके बैठने के लिए बेंच की व्यवस्था करके एक अच्छा ग्रीनरी, पेड़ पौधे गमले में लगाना, पेड़ पौधे अलग से लगाना, क्यारियाँ मेंटेन करना, इसके साथ साथ जो है वहाँ पर हम लोग दान स्थलों का भी निर्माण कराएंगे, दान की दीवार बनाएंगे, नेकी की दीवार बनाएंगे, जिससे कि बहुत से ऐसे लोग जिनके पास घरों में अच्छे कपड़े रखे रहते हैं लेकिन वो इस्तेमाल के बाहर हो जाते हैं, उन कपड़ों को उन लोगों को उपलब्ध कराना जिनको कि इसकी सबसे ज़्यादा
ज़रूरत है। इसके साथ साथ कुछ जगहों पर वर्टिकल गार्डन हम लोग लगवाएंगे। सेल्फी पॉइंट्स के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम एक रैन बसेरे का ऐसा भी बनवाने इस जगहों पर बनवाएंगे, जहां पर कि आप देखते हो कि ठंडी के दिनों में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके ऊपर जो बाहर से आते हैं, कई बार ट्रेन आदि बस आदि छूट जाती है और उनके पास कहीं होटल आदि में ठहरने के लिए पैसे आदि नहीं होते हैं। ऐसे लोगों के लिए हम एक अच्छी उच्च कोटि का रैन बसेरे का भी निर्माण कराएंगे, जो पूरे जो हमारे ठंड की ऋतु है उसमें पूरे समय ये बहुत अच्छा काम देगा। इसमें हम लोग कंबल, गद्दे, तकिया आदि रखेंगे और हम इसे जो ऐसे हमारे गार्बेज वैनेबल पॉइंट्स का जब 3 तारीख को समापन होगा, ऐसी जगहों से हम ऐसे जो निराश्रित लोग हैं उनको कंबल आदि का भी हम लोग वितरण करेंगे। आज़ादी के इस 75वें महोत्सव के जो अंतिम माह के अंतर्गत प्रतिबद्ध 75 जनपद 75 घंटे 750 निकाय अभियान दिनांक 1 दिसंबर 2022 से प्रातः 7:30 बजे प्रारंभ होकर अगले 75 घंटे तक लगातार संचालित किया जाएगा, जिसके उपरांत भव्य समापन समारोह का कार्यक्रम सुनिश्चित किया जाएगा। नगर निगम गोरखपुर के इस जो आम जनमानस को जागरूक करने वाले इस कार्यक्रम में समस्त इलेक्ट्रॉनिक जो चैनल के जो हमारे मीडिया बंधु हैं, समस्त प्रिंट मीडिया के जो हमारे बंधु हैं वो हमारे मीडिया पार्टनर हैं, साथ ही साथ हम बिग FM को भी इसको अपने साथ जोड़े हुए हैं, जिनके माध्यम से हम लगातार इधर जो है आज से ही हम लोग आम जनमानस में इस बेहतरीन कार्यक्रम से जुड़ने के लिए उनको हम लोग जागरूक कर रहे हैं, उनको प्रेरित कर रहे हैं। मैं एक बार अंत में अपने महानगर गोरखपुर के समस्त प्रबुद्ध नागरिकगण, समस्त सम्मानित नागरिकगण से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि जो शासन के द्वारा ये एक आज़ादी के 75वें वर्ष में आज़ादी के 75वें महोत्सव पे ये जो कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है 1 से 3 तारीख तक, इसमें सभी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और आम जन सामान्य को जो स्वच्छता की इस अनूठी मुहिम में जोड़ने के लिए वो अपना सक्रिय योगदान प्रदान करें। जय हिंद, जय भारत।